The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस थोड़ा सा खतरनाक सा नाम है। ये बेसिकली आपकी किडनी के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ठीक है। जहां भी आइटिस आता है वहां इन्फ्लामेशन है। ग्लोमरुलस किडनी के अंदर जो एक पार्ट जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं, और ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है किडनी में इन्फेक्शन। इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज इन किडनी। किडनी के अंदर बीमारी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन जरूरी नहीं है, मगर किडनी के अंदर बीमारी है। किडनी वो पार्ट है जो आपके शरीर में से पानी या वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है, यानी खून को फिल्टर करता है। उसमें से डैमेज वाली चीजें जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो निकल के आपके यूरिन में निकल जाती हैं। सो ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस किडनी की बीमारी है। और क्यों होती है? किडनी के अंदर बहुत सारे ग्लोमरुलाए होते हैं। ग्लोमरुलाए का मतलब है छोटी छोटी छन्नियां, छननी कह लीजिए, ट्यूब्स होते हैं बहुत लंबे लंबे। ट्यूब के ऊपर जो मेन छन्नी होती है ग्लोमरुलाए, और फिर उसमें ट्यूब्स होती हैं लंबी सी, ठीक है। तो ग्लोमरुलस ऊपर वाले को बोलते हैं। अब ये ग्लोमरुलस जो है बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस को पास कर देते हैं, खून को रोक देते हैं। सो ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि इस सिस्टम को, इस उस फिल्टर को प्रॉब्लम आ रही है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है? ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन नहीं है। इन्फ्लामेशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर ही इम्यून सिस्टम जो है वो उसको कभी कभी अटैक कर देता है, और इसके कई बार इसका कॉज नहीं पकड़ में आता कि क्यों हो रहा है, नहीं पता क्यों हो रहा है, बट हो जाता है। कई बार ये ग्लोमरुलस को डैमेज करने लग जाता है, और डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो जो उसने खून को फिल्टर करना चाहिए था, खून उसमें से पास हो जाएगा। इसलिए जो मोटे मोटे सेल्स हैं खून के, आरबीसीज हैं, प्रोटीन्स हैं, जो बेसिकली यूरिन में नहीं आने चाहिए, वो आने लग जाएंगे। सो दिस इज वन रीजन वाई यूरिन में ब्लड या प्रोटीन आ सकता है। ऐसे और कई बीमारियां हो सकती है किडनी की, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस इज वन रीजन। क्या क्या रिस्क फैक्टर है, किसको हो सकता है ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस? अगर किसी को ऑलरेडी पहले किडनी की हिस्ट्री है, किडनी डिजीज है, किसी को कोई और लिम्फेटिक ब्लड की कोई बीमारी है, लिम्फेटिक सिस्टम की बीमारी है, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट से एक्सपोजर है किसी फैक्ट्री में, कैंसर हो रखा है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया या कुछ तरीके के वायरस, या फिर कुछ हार्ट के अंदर इन्फेक्शन एब्सेसेस हैं, तो ऐसे केस में, बिकॉज कई बार क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस वाले इन्फेक्शन या ऐसे कुछ वायरसेस हैं जिनके लिए आपके इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये एंटीबॉडी जो है इस स्ट्रेप्टोकोकस के जो एंटीजन है, वो एंटीजन आपके किडनी के ग्लोमरुलस के अंदर के जो सेल प्रोटीन है उससे मैच खा जाते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है स्ट्रेप्टोकोकस को तो मारते ही मारते हैं, जाके आपके किडनी के सेल्स को भी मार देते हैं, तो इसलिए किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। सो दैट्स वाई ये क्रॉस रिएक्टिविटी ऑटो इम्यून डिजीज जैसी एक्ट करती है। सो ध्यान में रखें, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके और भी कई सारी बीमारियां जैसे हो सकती हैं, जैसे अमाइलोडोसिस, जैसे प्रोटीन का डिपॉजिट हो जाए आपके ऑर्गन्स के अंदर, उसको अमाइलोडोसिस बोलते हैं, अमाइलॉइड प्रोटीन बिल्डअप। उसके अलावा ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी कई सारे फिल्टर, कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर भी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि खून के नसों में वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वेस्कुलाइटिस, या बहुत सारी खून की नसों में जाए तो पॉलीआर्टराइटिस भी, ऐसी चीजें हो सकती है जो मिलजुल के आपके ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस कर सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ और प्रकार के ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस पाए जाते हैं, जैसे फोकल सेगमेंटल ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कुछ जगहों पर स्कारिंग हो रही है, इन्हें कि स्कार टिश्यू बन गया है आपके किडनी के छनियों में, ग्लोमरुलस में। एंटी ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, मतलब कि इम्यून सिस्टम जो है वो ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक कर रहा है। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी सिंड्रोम का मतलब है कुछ जो खून पतला करने की, सॉरी, जो हैवी पेन किलर वाली दवाई है, पेन किलर वाली दवाई है, उसके वजह से किडनी में डैमेज हुआ है। एनाल्जेसिक पेन किलर को बोलते हैं, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी मतलब खून पेन किलर लेके किडनी में डैमेज हुआ है। सो जैसे कि एनसेड्स इंक्लूडिंग ब्रूफिन, ओके, ऐसी कई सारी है। एक हेमनॉक्स, बहुत ही खतरनाक सा नाम है, हेमनॉक्स डेवलपुरा, ठीक है, बड़ा इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर पर्पल स्पॉट्स आ जाते हैं, जॉइंट पेन होता है, पेट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और आपको किडनी में इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा IGA
नेफ्रोपैथी भी होता है जिसके अंदर IgA नाम की एंटीबॉडीज जो है वो किडनी को डैमेज करती है, किडनी के अंदर बिल्डअप हो जाती है। ल्यूपस नेफ्राइटिस नाम की भी चीज होती है, ल्यूपस एक अलग से बिकॉज ऑफ एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ल्यूपस अपने आप में एक अलग बीमारी है और वो एक इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है जो एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी बिल्डअप हो रहा है किडनी के अंदर। सो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कहीं ना कहीं प्रोटीन एंटीबॉडी कुछ ना कुछ इसी प्रकार के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के वजह से हो रहा। सिम्टम्स क्या होंगे ऐसा होगा तो नंबर वन आपके किडनी के थ्रू यूरिन में लाल या काला या डार्क, लाल तो नहीं मिलेगा, ब्राउन या डार्क रस्टी कलर का यूरिन आएगा और फोमी यूरिन आएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोटीन। और आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आईज में स्वेलिंग आ सकती है, फेस में स्वेलिंग आ सकती है, एडिमा हो सकता है, पूरे पूरे शरीर में हो सकता है, ये ध्यान में रखें। दिस इज द मेन सिम्टम। इसके अलावा बहुत वेरिएबल सिम्टम्स हैं, क्यों किसी को ये रह भी सकता है किसी को नहीं, किसी को बुखार, किसी को पेट दर्द, किसी को वॉमिटिंग, किसी को खांसी, किसी को जनरल कोई और एपेटाइट प्रॉब्लम, ये रहेंगे नहीं रहेंगे पक्का नहीं, रह भी सकता नहीं भी रह सकता सिम्टम के हिसाब से। ये डिपेंड किस पे करेगा, वो जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आ रही है वो और किस किस सिम्टम को सिस्टम को डैमेज कर रही है, वो दूसरे सिस्टम को डैमेज करेगी, वॉमिटिंग कर रही है, खांसी कर रही है, ब्रेथलेसनेस कर रही है, डायरिया कर रही है, फीवर कर रही है, जनरल बॉडी पेन कर रही है, मसल पेन कर रही है, सो वो डिपेंड करेगा। सो ऐसे में सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। तो टेस्ट क्या कराओगे आप, डॉक्टर से जाके मिलेंगे, सिम्टम के हिसाब से वो यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन में उनको ब्लड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, उसके अलावा वो किडनी दूसरी जनरल ब्लड टेस्ट CBC ये सब करेंगे, उसमें दिखेगा कि कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन नहीं है या बेसिकली इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, CRP और वो सब चीज़ें बढ़ी हुई दिखेगी। इस कंडीशन में डायग्नोसिस करने के लिए किडनी की बायोप्सी ली जा सकती है, इमेजिंग टेस्ट पहले किए जाएंगे, किडनी का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल CT स्कैन, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, ये सब की भी और कोई स्टोन वोन तो नहीं, पत्थरी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है किडनी के अंदर, वो पहले रूल आउट होगी। उसके अलावा जो टेस्ट होंगे एक्सटेंडेड यूरिन एनालिसिस के अलावा क्रिएटिन क्लियरेंस, एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, यूरिन में कितना प्रोटीन है, यूरिन यूरिक एसिड कितना है यूरिन के अंदर, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन क्रिएटिन, यूरिन प्रोटीन, यूरिन RBC, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ये सारे टेस्ट जो यूरिन एनालिसिस में पाए जाएंगे वो होंगे। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का क्या रीजन है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन होने का, उस रीजन को कंट्रोल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कंट्रोलिंग उसमें कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इज द नंबर वन प्रायोरिटी इस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग ड्रग्स दिए जाते हैं, कई बार स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कई बार इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट दिए जाते हैं, कई बार प्लाज्मा फेरेसिस किया जा सकता है, जिससे क्या होता है प्लाज्मा फेरेसिस से जो आपके एंटीबॉडीज जो खून में घूम रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिसके वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, ताकि आपके और ज्यादा डैमेज होने से रोका जा सके। सो ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत जरूरी है फ्लूइड्स मैनेज करना, क्योंकि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो हमें देखना पड़ता है कि पानी कितना देना है शरीर के अंदर, यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों के उनके अंदर सोडियम फ्लूइड अदर सब्सटेंसेस कैसे हैं। सो इस पेशेंट ऐसे पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर रिस्क होता है किडनी फेलियर में जाने का, किडनी शटडाउन हो जाने का, ऐसे केस में फिर डायलिसिस की जरूरत ना पड़ जाए और बहुत ही ज़्यादा किडनी खराब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत पड़ सकती है। तो एक सीरियस बीमारी है जिसमें पेशेंट को ICU में रखना पड़ जाता है। तो याद रखें प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है कि पेशेंट का आगे जाके क्या होगा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जल्दी पकड़ में आ जाए तो टेम्पररी है, रिवर्सिबल है, और अगर बढ़ जाए तो क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी फंक्शन को कम कर सकता है, एंड स्टेज जैसी किडनी डिजीज और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जैसी चीज़ें भी कॉज कर सकता है। तो एंड स्टेज मतलब आप किडनी बहुत ख़राब हो जाए वाली बात भी आ सकती है। सो ऐसे केस में जो बेस्ट डॉक्टर आपके होंगे ये होंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट। सो अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किडनी की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को प्रिवेंट करें, बस आप इतना करें कि उल्टे सीधे दवाइयाँ, स्टीरोइड्स या जो पेन किलर्स आप ना लें, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और अपने रेगुलर टेस्ट कराएं। सो ये ध्यान में रखें आप, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक अलग टॉपिक, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।